इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। महाराष्ट्र मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। जो सुनवाई होनी थी उसको टाल दिया गया है। कल फिर इस मामले पर सुनवाई की संभावना है। कल फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। शिंदे और उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई होगी। कल फिर से इस मामले की सुनवाई होनी है। शिंदे और उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई होगी। पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर सुनवाई होनी थी लेकिन ये सुनवाई नहीं हो पाई। चुनाव चिन्ह का जो पूरा रगड़ा है वो अब कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट में सुनवाई होनी थी इसको लेकर, लेकिन आज ये सुनवाई टल गई है और कल इस मामले को लेकर अब सुनवाई होगी। राजन हमारे साथ लगातार समय बने हुए हैं। राजन, जो सुनवाई आज होनी थी, चुनाव चिन्ह का पूरा मसला है, उसको लेकर सुनवाई नहीं हो पाई है, कल तक का इंतजार? बिल्कुल, देखिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है जो चल रही है वो शिवसेना की, आखिरकार ये शिवसेना किसकी है? क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे की है या फिर उद्धव ठाकरे की? और कहीं ना कहीं वो जो निशान है, जो लोगो है शिवसेना का तीर धनुष, उसी को लेकर एकनाथ शिंदे ने भी इलेक्शन कमिटी को जो है वो एप्लीकेशन दिया था और उद्धव ठाकरे ने समय मांगा था और उसी को ऊपर लेकर आज जो है सुनवाई होनी थी कोर्ट में और सुनवाई जो है उसमें टाल दिया गया और ये जो सुनवाई है वो कल जो है वो सुनवाई कल थी। और कहीं ना कहीं एप्लीकेशन कमीशन में 12 साल तक 40 विधायक और एक्ट कॉर्पोरेटर है जिनका कार्यकाल खत्म हो गया और पदाधिकारी उन सभी के जो है सिग्नेचर है और वो तमाम जो कॉपी है जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया गया था और वो बकायदा का बकायदा एक वो इलेक्शन कमीशन में भी दिया गया था। और कहीं ना कहीं अब किसी की चल रही है कि शिवसेना आखिरकार किसकी, उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे? तो कल जब होता है सुनवाई में, कहीं सुनवाई में निकल कर आता है तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपने आप में काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया राजन, आपका बहुत शुक्रिया। तो कल का इंतज़ार करना होगा और कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है कि फैसला क्या निकलकर सामने आएगा पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर। आज सुनवाई होनी थी लेकिन ये सुनवाई नहीं हो पाई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब कल इंतज़ार होगा क्योंकि चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई चल रही है। शिंदे गुट का कहना है कि चुनाव चिन्ह पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उनका है और उद्धव ठाकरे की जो लड़ाई है वो अलग है क्योंकि चुनाव चिन्ह वो भी पाना चाहते हैं। दो दो शिवसेना होने की बात कही जा रही है। असली शिवसेना कौन है, इसकी लड़ाई है।